समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, बहुत सारी जो मांगे हैं हमारी, जो हमारा सुझाव पत्र, हमारा मांग पत्र नहीं होता बाकी संगठनों की तरह से, हम सरकार को सुझाव देते हैं और जो हमने सुझाव दिए हैं उन सुझावों को, जो हमारा मांग पत्र अभी हमारे पवन मिश्रा जी जो आपके सम्मुख रखेंगे, पूरा जानकारी ये देंगे, तो उसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं और कुछ थोड़े बहुत बिंदु जो हैं, अभी सातवां वेतन आयोग जो था उसमें जो कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ वर्ग जो छूटे हैं, उसमें निरंतर हम चाहे शिक्षा मंत्री हों, चाहे हमारे डायरेक्टर हों, चाहे हमारे सीएम साहब हों, उनके साथ हम लगातार हर रोज वार्तालाप करते रहते हैं और जो समस्याएं पास आ रही हैं और उनसे हम उन समस्याओं का कैसे निदान हो, उनसे वो फीडबैक लेके जो है सरकार तक पहुंचा रहे हैं और हम जो थोड़ी बहुत मांगे रह गई हैं उनको भी हम जल्दी पूरी करवाएंगे। और मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की तरह से धन्यवाद करता हूँ, भी संतुष्ट नहीं हो सकता, संतुष्ट हमें अपने आप को ही होना पड़ेगा। तो जो कुछ थोड़ी बहुत डिमांड्स रही हैं उनको भी हम पूरा करवाएंगे और एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश सरकार का जो बिंदु हमने रखे थे, जो सुझाव हमने रखे थे, उनको सुना और उनको सॉल्व किया, इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ। और अब मैं पवन मिश्रा जी से आग्रह करूँगा, जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के, वो जो हमारा आग्रह पत्र जो है उसको आपके सम्मुख रखें। पवन मिश्रा जी, नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। वर्तमान में बहुत से मुद्दे सरकार ने हल भी किए हैं, कुछ शेष हैं, इसके निरंतर चार वर्षों से आपकी जानकारी के लिए हमने 19 जनवरी 2019 में एक बड़ा कार्यक्रम उनमें किया, माननीय मुख्यमंत्री सहित 5 कैबिनेट मिनिस्टर उस बैठक में उपस्थित रहे, 8000 अध्यापक उस अधिवेशन में आए और मंच से पैरा पैट पीटीए इन लोगों को नियमित करने की घोषणा वहाँ से की। उसके बाद एक मंडी में कंसा चौक में बहुत बड़ा कार्यक्रम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की प्रेरणा से हिमाचल शिक्षक महासंघ का हुआ, उसमें 6000 अध्यापक उपस्थित रहे। हमने 14 सूत्रीय मांग पत्र वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री सरकार के समक्ष रखा, जिनको सरकार ने घोषणाएं माना। इसी बीच 23 जुलाई 2021 को एक बैठक शिक्षा निदेशालय में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में लगभग 4 घंटे चली, बहुत सी मांगों पर चिंतन हुआ, क्या किया जाए क्या नहीं किया। और हाल ही में भी अभी इसी जनवरी माह में हम 3 बार 1-1 घंटा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे और कुछ जो समस्याएं थी, कुछ जो आग्रह थे उनको समाधान कराने में सफल हुए हैं। उन जो भी सरकार ने काम किए हैं उनके लिए मैं इस मंच से सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का और सरकार का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जिनमें आपने कल भी देखा होगा केंद्र की तरफ से कर्मचारियों ग्रेच्युटी 20 लाख दी जाती थी, यहाँ 10 लाख थी, उसको कल 20 लाख कर दिया गया। एनपीएस में जो कर्मचारी हैं उनके लिए 2009 की जो केंद्र की अधिसूचना थी जिसमें वो ग्रेच्युटी के पात्र हो जाएंगे या कहीं परिवार में कुछ दुर्घटना तो उनको ओपीएस मिलेगा, ऐसे 3-4 विषय हैं उनको सरकार ने कल कैबिनेट में पारित कर दिया है। और ऐसे ही एक CNDB JVT की एक कई सालों से एक वनवास ही था उनको, जो व्यक्ति मानो कांगड़ा का किन्नौर लग जाता था वो 13 वर्ष से पहले नहीं आ सकता था, कोई महिलाएं हो कोई बीमारी कारण वो आ सकते थे, नहीं तो 13 वर्ष की नीति थी उसको कंसा चौक में वहाँ घोषणा की थी और उस लेटर में भी लिखा है जो सरकार के 8/8/2021 की घोषणा के, तो कई वर्षों से लगभग 25-30 वर्षों से मांग चल रही थी, इसको हमारे आग्रह पे पूरा किया। टैट की जो आपकी वैधता 7 वर्ष थी उसको केंद्र की तर्ज पर यहाँ भी आजीवन सरकार ने किया, नए वेतनमान सरकार ने लागू किए, ऐसे 7 बिंदु हैं। एक EGS और NRST अध्यापक घुमंतु उनको हमारे आग्रह पर गया है, तो ऐसे 7 बिंदु सरकार ने पूरे किए हैं, परंतु वेतनमान में जो कमियां थी उसके लिए हमारी चर्चा निरंतर हो रही है, क्योंकि हमने कहा था सरकार से कि जो इनिशियल स्टार्ट है, मेरे इस मंच से भी आग्रह है कि जो पंजाब में इनिशियल स्टार्ट और हिमाचल में उनमें अंतर है, सरकार उस तुरंत आग्रह को माने और मैं जब ग्रेड पे इनहांस हुआ तो 4/9/14 जो मिलता है, जिन लोगों को 4/9 मिल गया सरकार ने कहा आपकी ग्रेड पे इनहांस कर दी हमने इसलिए उसी को 14 मान लिया जाए, और इसमें बड़ी बड़ी विषमताएं आ गई। हमने सरकार से बार बार आग्रह किया है कि आप ACP का लाभ तुरंत कर्मचारियों को दें, तथा एक राइडर लगा दिया है, जैसे मानो मैं TGT हूं, TGT से मैं लेक्चर बनता हूं, TGT में रेगुलर हूं,
और मैं प्रवक्ता बनता हूं तो 2 वर्ष में प्रोबेशन पर रहता हूं, जब मैं पहले नियमित हूं तो मुझे प्रोबेशन की क्या जरूरत। उस राइडर के कारण कर्मचारियों को बहुत ज्यादा हानि हुई है। हमने बार बार सरकार से आग्रह किया और कई बार चर्चा में माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री माना भी कि इवन मुख्य सचिव ने भी इस बात को माना कि हम राइडर हटाने वाले थे। हमें तो उम्मीद थी कि 25 जनवरी को इसकी घोषणा होगी पर नहीं हुई। तो मेरा आग्रह इस मंच से सरकार से मुख्यमंत्री से है कि उस राइडर को इस प्रोबेशन को हटाकर लाखों कर्मचारियों को जो है उनकी हानि से बचाया जाए। और मुख्या बिंदु, जैसे हम तो नियमित हैं, बहुत से लोगों के नए वेतनमान में 1 लाख प्लस या लाख के पास जो उनकी तनख्वाह पहुंच गई है, सैलरी पहुंच गई है, पर कुछ वर्ग बहुत से पैट पीटीए पैरा और एनआरएसटी, इनको तो आपने सरकार ने नियमित भी कर दिया, एनआरएसटी कॉन्ट्रैक्ट पे ले आए। हमने बार बार ये आग्रह किया है कि भर्तियां कमीशन के थ्रू या बैच वाइज नियमित ही होनी चाहिए, पर फिर भी कुछ लोग, जैसे 5-6 हजार लोग हैं ऐसे शिक्षा विभाग में, चाहे वो आउटसोर्स हैं, चाहे वो एसएमसी हैं या कंप्यूटर टीचर हैं, हम ऐसा लगता है ये वंचित और शोषित वर्ग है, क्योंकि जब बेरोजगार युवा होते हैं उनका दोष नहीं, सरकार जैसी नीति लाती है लोगों को लगता है रोजगार मिल रहा है, वो लग जाते हैं। पर जब आप 10-10, 15-15 साल कंप्यूटर टीचर तो 22-23 सालों से बहुत कम न्यूनतम तनख्वाह पे ऊपर काम कर रहे हैं, 8,000, 10,000, 12,000 उसमें से भी कट जाता है। तो हमने बार बार आग्रह किया है, इस मंच से द्वारा करना चाहता हूं कि कंप्यूटर शिक्षकों के लिए सरकार एक नीति लेके आए, चाहे पंजाब पैटर्न पे लाए या किसी और तरीके से विभाग अपने अधीन ले। ऐसी बहुत बार मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री चर्चा हो चुकी है, हमने बहुत बार कहा कि भाई आज 8,000 में कुछ नहीं होता, धर्मशाला में कोई लगा हो तो 8,000 तो कमरा आता है। और बहुत से लोग हमारे ध्यान में ऐसे भी आए हैं बेचारे, उनके बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाने में वो असमर्थ हो गए हैं, अब ना वो नौकरी छोड़ सकते हैं ना कर सकते हैं। तो इन अध्यापकों के लिए, कंप्यूटर टीचर्स के लिए विभाग के अधीन ले या कोई ऐसी पंजाब पैटर्न पर नीति लेके आए। इस तरह एसएमसी के दुर्गम क्षेत्रों में मानो हमीरपुर और कांगड़ा, जैसे हम मैं मीरपुर से हूँ, कांगड़ा को किन्नौर लगा दिया जाता हो, 2-3 सालों में अपना कोई जुगाड़ लगा के वापस आ जाता है, तो अधिकांश पहाड़ों में पद रिक्त रहते हैं। तो 2011 में सरकार नीति लाई कि लोग ऐसे लगे स्थिर रहे, उसके लिए एसएमसी के लोग लगाए, पर उनके लिए भी कोई स्थायी नीति नहीं है, हर वक्त उनके ऊपर हटाने की तलवार लटकी रहती है और उनमें भी 10,000, 12,000 ऐसी उनको सैलरी दी जाती है। तो हमने बार बार सरकार से आग्रह किया, अपने अधिवेशनों में भी आग्रह किया कि इनके लिए नीति ला कर आप इनका भविष्य सुरक्षित करें या कंट्रैक्ट पे लाएं, जो भी तरीका बनता है, या इनका सेक्शन 9 और 10 है, 10 में इनको छुट्टियों का भी प्रावधान नहीं है। कोई व्यक्ति बीमार होता है, घर में कोई कैजुअलिटी होती है, हालांकि कल परसों सरकार ने अधिसूचना जारी की है एक कि गर्भवती अध्यापकों के लिए 180 दिन का अवकाश दिया जाएगा, उसके लिए सरकार का तहे दिल से शुक्रगुजार आभार, परंतु सभी अध्यापकों के लिए भी छुट्टियों का प्रावधान हो, उनका सेक्शन 9 और 10 का हटाया जाए और इनको भी एक नीति बना के भविष्य सुरक्षित करें, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लाएं या कोई भी और तरीका बन सकता है, ऐसा सरकार को करना चाहिए, ऐसा हमने बहुत बार कहा है। और सभी स्कूलों में एलटी हैं, शास्त्री हैं, इनकी जो योग्यता समकक्ष होती है टीजीटी के, राजस्थान और हरियाणा में ये टीजीटी संस्कृत टीजीटी हिंदी कहलाते हैं, लगभग 25 वर्षों से मांग चल रही है, हमारे मंच से घोषणा भी कर रखी है। तो हमने कई बार कहा कि जो पात्र हैं उन एलटी और टीजी को शास्त्री को टीजीटी का पदनाम दिया जाए। और ओपीएस का मुद्दा, पुरानी पेंशन का, हमारे केंद्र सरकार केंद्र में जो संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उसका प्रथम मुद्दा है, कई बार अपने सीतारमण जी से जो वित्त मंत्री हैं, एमएचआरडी मिनिस्टर जी से कई बार इन विषयों पर चर्चा हुई है कि भाई कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। बहुत से लोग पहले जो रिटायर 238, 978, 1100 ऐसा तनख्वाह मिलती है, ठीक है, भविष्य तो सभी का सुरक्षित होना चाहिए, चाहे मीडिया वाले हैं, एक दुकानदार है, उनके लिए भी 60 साल के बाद प्रावधान हो, परंतु यहां जो प्रावधान था ओपीएस का, सरकार उसको बहाल करे, चाहे केंद्र से बात करे या और कम से कम सबसे पहले एक न्यूनतम पेंशन तो उनको लानी चाहिए। तो ऐसा पुरानी पेंशन बहाली का एक मुद्दा हमारा सरकार से लगातार निरंतर चल रहा है। 2016 के बाद जो भी प्रधानाचार्य बनता है उसकी नियुक्ति नियमित नहीं है, वो नाम प्रधानाचार्य वैसे प्रवक्ता ही है, पता नहीं क्यों हमने कई बार आग्रह किया शिक्षा सचिव से, कई बार सरकार से आग्रह किया कि इनको तुरंत नियमित करे। 16 के 22 आ गया, उनको अभी तक तो प्रधानाचार्य पद के जो लाभ हैं वो नहीं मिल पाए हैं, तो तुरंत ये लाभ सरकार दे
और प्रवक्ता में भी प्रवक्ता न्यू प्रवक्ता दोनों एक जैसे हैं, दोनों कक्षाएं पढ़ाते हैं, पता नहीं क्यों एक प्रवक्ता है एक प्रवक्ता न्यू है। पर न्यू शब्द लगाने की क्या आवश्यकता है? हमने आग्रह किया सरकार से, कई बार आग्रह कर दिया, पहले तो पीजीटी थे, पीजीटी से प्रवक्ता तो बना दिया, न्यू शब्द साथ में, तो प्रवक्ता न्यू, न्यू शब्द को हटाकर 1986 के R&P जो है उनको सरकार तुरंत बहाल करे, ऐसा आग्रह है। एक स्कूलों में आपके ध्यान में होगा शारीरिक शिक्षक होते हैं और वो DPE कहते हैं, और DPE कोई नाम नहीं है, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन इसका जो अर्थ है, उसका नामकरण नहीं हुआ आज तक। हमने कई बार आग्रह किया कि DPE क्या है, इसको प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का पद नाम दिया जाए, या फिर अगर TGT के समकक्ष है तो TGT शिक्षक का नाम दिया जाए, परंतु तो कुछ फैसला आज तक नहीं हुआ है, ऐसा मेरा आग्रह है। और इसमें दो कैटेगरीज हो, कुछ DPE को प्रवक्ता वाला तनख्वाह मिलती है और कुछ को TGT की, ऐसा एक दोहरी चीज इसमें चल रही थी। हमने बहुत बार आग्रह किया, चाहे वो अपने निदेशक महोदय हो, शिक्षा मंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, कि ये दोहरा ना करके इनको समकक्ष किया जाए और इनको प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा या फिजिकल ऐसा इनको नामकरण इनका किया जाए। और आउटसोर्सिंग में अपने वोकेशनल अध्यापक लगे हुए, आजकल वोकेशनल शिक्षा जो है स्कूलों में चल रही है, पहले तो उनको 15,000 थी, बार बार आग्रह किया तो अभी उनकी तनख्वाह 19,000 कर दी गई है। पर हमारा ये आग्रह है, मैंने पहले भी कहा कि जितने भी सरकारी विभाग में नियुक्तियां हो वो ऐसे काम चलाऊ ना हो, ऐसे आउटसोर्स या किसी कंपनी के विभाग सीधी नियमित भर्ती करे, नहीं तो फिर ये बाद में एक जखम जैसा बन जाता है। तो ये सब मेरा आग्रह है कि आउटसोर्स के तहत चाहे जितने भी टीचर के कर्मचारी है उनको नीति लाके सरकार जो है उनका भविष्य सुरक्षित करे। तो एक ऐसा आग्रह सरकार से कई बार बैठके माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री से हमारी कई बैठके जो है उनकी बार बार हो चुकी हैं, कई बार आश्वासन नहीं मिला कि तुरंत करने वाले हैं। तो मेरा इस मंच से आज यही आग्रह है, चाहे SMC टीचर हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षक हो, चाहे वेतन विसंगतियां हो, इनको तुरंत जो है सरकार इस बजट में, इस बजट पहले इनको तुरंत जो इसका समाधान करे, ऐसे आग्रह के लिए आज हम आपके बीच में हैं। आपने हमारे इस कार्यक्रम को सफल के लिए सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार और आप लोगों का बहुत बहुत आभार। बाइट लेते हैं, कुछ नहीं होता।